नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एक नवाचार उन कैदियों के साथ हो गया जिनके हाथों में कभी तलवार छुरी पिस्टल होते थे, अब उन हाथों में अब पेट्रोल पंप का नोजल थमा नजर आएगा। पहले लोग इनके पास जाने से भी डरते थे, पर अब यही लोग लोगों को पेट्रोल डीजल देंगे। योजना के अनुसार भोपाल में पहली बार सेंट्रल जेल के पेट्रोल पंप की शुरुआत हो गई है। जन्माष्टमी के मौके पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। यह पंप जेल के मुख्य द्वार के ठीक सामने एयरपोर्ट रोड पर बनकर तैयार हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मदद से इस पेट्रोल पंप में ओपन जेल के 9 बंदी रिफिलिंग से लेकर अन्य काम देखेंगे, जबकि मैनेजमेंट का काम 2 प्रहरियों के हाथ में सौंपा गया है। इसके लिए जेल के बंदियों और प्रहरियों का प्रशिक्षण हो चुका है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।